आज हम जानेंगे कि कोई भी फॉर्मूला या सूत्र कैसे बनता है। हम कैसे कह देते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर शक्ति बराबर कार्य बटा समय, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इनके बारे में हम आज सीखेंगे। इसको जानने के लिए हमें दो चीज को जाननी बेहद ही जरूरी होगी, वह है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक सीधा सा फंडा है कि आप ये समझिएगा कि अनुक्रमानुपाती का मतलब हो कि बढ़ाने पे बढ़ेगा और घटाने पे घटेगा। आप व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझेंगे कि बढ़ाने पे घटेगा और घटाने पे बढ़ेगा। मतलब ये सीधा वाला रिलेशन है और ये वाला उल्टा वाला रिलेशन है। ठीक, चिन्ह चिन्ह के बारे में देखा जाए तो इनका चिन्ह होता है ये वाला, ऐसे बिगड़ा हुआ अल्फा। बिगड़ा हुआ अल्फा को ही डिनोट करते हैं इन दोनों सिंबलों को। अंतर बस ये होता है कि व्युत्क्रमानुपाती को वन अपान करके उतना लिखा जाता है, और अनुक्रमानुपाती को सीधे सीधे अंश में वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो अनुक्रमानुपाती का मान हमें कैसे क्या होता है कि बढ़ाने पे बढ़ेगा और घटाने पे घटेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बढ़ाने पे घटेगा और घटाने पे बढ़ेगा। यानी उल्टा वाला रिलेशन होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और सीधा वाला रिलेशन होगा तो अनुक्रमानुपाती होगा। चलिए अब तो चलिए इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की सहायता से हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाया शक्ति बराबर कार्य बटा समय, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्यों नहीं बन गया पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू टाइम अपॉन वर्क, ऐसा क्यों नहीं बन गया? ऐसा ही क्यों बना कि पावर इज इक्वल टू लिखा जाए वर्क अपॉन टाइम, या फिर शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। इन सिंपल टर्म इसको डिनोट करते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से, पी फॉर पावर, डब्ल्यू फॉर वर्क और टी फॉर टाइम। चलिए इसके लिए एक छोटी सी बात हम अपनी रखना चाहते हैं। दो व्यक्ति है, एक है रमेश और एक है सुरेश। दोनों को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया कि जाओ 10 अमरूद तोड़ के लाना है, 10 अमरूद तोड़ के लाना है। यानी इनका हमने कार्य फिक्स कर दिया कि आप जाके 10 अमरूद तोड़ के लाइए। रमेश जो होता है उछल कूद करने में अच्छा है, और यह 5 मिनट में ही 10 अमरूद तोड़ के लाता है, जबकि सुरेश जो होता है वही अमरूद तोड़ने में उसको 7 मिनट लगते हैं। अब देखा जाए और पूछा जाए ये बात कि बताओ इन दोनों में से शक्ति किसके पास ज्यादा थी, तो आप पट दे बोल देंगे कि है तो 5 मिनट में काम कर दिया है, तो इसके पास रमेश के पास शक्ति ज्यादा है। वही दूसरा टास्क ये दिया गया कि दोनों के पास समान मात्रा का समय दिया गया, दोनों के पास समान मात्रा का समय देगी, 5 मिनट दिया जाएगा और जाओ तुम अमरूद तोड़ के लाओ, यानी वो कार्य करके आओ। इस 5 मिनट में रमेश जो होता है वो तोड़ता है 10 अमरूद, और सुरेश जो होता है वो तोड़ता है मात्र 8 अमरूद। अब इस हिसाब से भी हम बोलेंगे कि रमेश उस उतने ही समय में 10 अमरूद तोड़ के लाता है, और सुरेश जो होता है वो 8 अमरूद तोड़ के लाता है। तो सीधे सीधे बोल देंगे कि रमेश के पास शक्ति ज्यादा है और सुरेश के पास शक्ति कम है। देखिए हमने दो टर्म बस डिफाइन किया है कार्य और समय में। जिसका समय कम लग रहा था उसके पास शक्ति ज्यादा है, और जिसने कार्य ज्यादा किया उसके पास शक्ति ज्यादा है। यानी कम समय और ज्यादा काम कर जो कर रहा है वही इसके पास शक्ति ज्यादा है। अब इसको सीधेंगे, समझेंगे, जोड़ेंगे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के संबंध से। देखिए कम समय काम ज्यादा उल्टा लग रहा है, इसलिए समय जाएगा हर में, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हर में रहेगा, और अनुक्रमानुपाती का मतलब कि वो अंश में रहेगा। ज्यादा काम करने वाला के पास ज्यादा शक्ति बताई जा रही है। देखिए ज्यादा काम ज्यादा शक्ति रिलेशन है बिल्कुल सीधा वाला, और इसलिए रखा जाएगा अंश में। तो यहां हमने ये सीख लिया कि कौन सी राशि किसी फॉर्मूले में अंश में रहेगी न्यूमिरेटर में रहेगी, और कौन सी राशि हर में रहेगी डिनोमिनेटर में रहेगी।
इसके लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से समझा। ठीक इसी प्रकार चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम को भी हम चाहे चाल बराबर दूरी बटे समय को हम बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान हो।